काल में कई लोगों के रोजगार तो छीन ही गए, इसके साथ ही संकट के बादल मूर्तिकारों पर भी मंडराने लगे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में दुर्गा पंडालों में स्थापित होने वाली मूर्तियों को लेकर आए आदेश के बाद मूर्तिकारों में भारी मायूसी देखी जा रही है। सरकार ने सार्वजनिक रूप से देवी प्रतिमा की स्थापना करने पर पूर्णतः रोक लगा दी है और प्रदेश के लोगों से अपील की है कि जिसको देवी प्रतिमा की स्थापना करनी है वो अपने घरों में करे, सार्वजनिक रूप से नहीं। इसी आदेश के बाद से मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकारों में भारी मायूसी देखी जा रही है और अब उनके सामने जीवन यापन करने का संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि ये मूर्तिकार इस समय अपने पैसों से मूर्तियां बनाकर बेचने का कार्य करते थे और इसी व्यवसाय से वो पूरे साल अपने अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। लेकिन मूर्तियां स्थापन पर रोक लगने के चलते अब इन मूर्तियों कारीगरों की मूर्तियों की बिक्री नहीं हो रही है, जिससे उनके सामने जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है। वहीं मूर्तिकारों का कहना है कि सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए, उनका यही एकमात्र एक जरिया है और पूरे साल वो लोग इसी से घर का खर्च चलाते हैं और अब सरकार ने मूर्ति स्थापना पर रोक लगा दी है, जिससे उनका और उनके परिवार का जीवन संकट में आ चुका है। नरेश, यही मूर्तियों का कार्य करते हैं। कब से कर रहे हैं? कम से कम 5-6 साल हो गए। अच्छा, तो पिछले बार की अपेक्षा इस बार क्या फर्क? पिछले साल तो ये है कि 200-250 मूर्तियाँ बनती थी, उसकी अपेक्षा से अब आधे से भी आधा कार्य हो गया है। तो अब जिसके यहाँ पे ये सोनूपाल के यहाँ पर हम काम करते हैं तो वो कह रहे हैं कि अब मूर्तियाँ ही नहीं जाएंगी तो हम आपको वेतन कहाँ से देंगे। हमने कल इनसे ये भी कहा था कि भैया कुछ पैसे दे दो, तो ये कह रहे हैं कि कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, कोई पैसे ही नहीं दे रहा, तो हम तुमको पैसे कहाँ से देंगे। सरकार का फैसला आया है तो उसके आप फिर सरकार का फैसला आया है तो सरकार से यही है, उम्मीद है कि कुछ हमारे लिए भी कर दे। और ये जहाँ पर हम काम कार कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि हम आपको वेतन नहीं दे पाएंगे। तो अब क्या आपके सामने दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है कि सरकार कुछ ऐसा गाइडलाइन निकाल रहे कि इससे जी हमारी मूर्तियां जो हम लोग बना के तैयार कर रहे हैं 5-6 महीने से कार्य करते हैं और जी मूर्तियां जब नहीं जाएंगी तो ये हमको पैसे कहां से देंगे और हमारे घर में कम से कम 10 लोगों का परिवार है तो कैसे भरण पोषण चलेगा। कि अगर मूर्ति नहीं बिकी तो उनका घर कैसे चलेगा। मूर्तिकारों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके जीवन यापन के बारे में भी सरकार कुछ सोचे।